सेवा करने की। और जैसे मैंने बताया कि हमारा फाउंडेशन अब 6 लाख लोगों तक पहुंचा है और आगे भी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत काम करना है और आप लोगों के साथ मिलके आप लोगों के सपोर्ट से हम लोग काम करेंगे। और लास्ट कि मैं नहीं हिंदू, मैं नहीं मुसलमान, नहीं क्रिश्चियन, नहीं जूस, मैं नहीं मराठी, नहीं बंगाली, नहीं पंजाबी, नहीं गुजराती, मैं एक मानव हूं और मानवता की सेवा करने की कोशिश कर रहा हूं। धन्यवाद। लास्ट में एक छोटी सी एक्सरसाइज देना चाहूंगा क्योंकि अच्छा सा माहौल है और बहुत बड़ी संख्या में आपकी प्रेजेंस है और सब डिग्निटरीज है, तो एक छोटी सी एक्सरसाइज है, वो है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो मैं तकरीबन 22-23 साल से कर रहा हूँ, वो है अपने आप से बातें करना। हम दुनिया भर के लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, बढ़ाओ बार बोले उनसे हमारी इनर स्ट्रेंथ डेवलप होती है, हमें ताकत मिलती है, हमें तंदुरुस्ती मिलती है। और एक अच्छी सी कहावत भी है कि दिन में एक बार अपने आप से बात कर लिया करो, वरना दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से मिलने का मौका गवा दोगे। तो यही एक्सरसाइज से हमें बहुत स्ट्रेस पे कंट्रोल, एंगर पे कंट्रोल और हमारी जो अनिंद्रा की बीमारी उन सबसे कंट्रोल आता है और हम स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं और बहुत सारी एनर्जी हमारे में आती है जो हम बहुत अच्छे बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच रिजवान जी। आई एम श्योर कि आपने 2 मिनट में जो जो बातें हमसे शेयर की कहीं ना कहीं और रिजवान अगतिया फाउंडेशन करूंगा डॉक्टर अशोक टंडन जी जो कि हमारे बॉम्बे के बहुत बड़े आई सर्जन हैं, वो भी इस फाउंडेशन के साथ फ्यूचर में हमेशा जुड़ा स्वस्थ स्वस्थ साथ में ही जाता है। स्वच्छता नहीं तो स्वस्थता भी नहीं हो सकती और वहां हम कोशिश यही सब करेंगे कि छोटी छोटी चीजें में बदलाव, अपनी सोच में बदलाव, इंसान बहुत ही सुखी जीवन जी सकता है, बिना कठिनाई को दूसरों के काम आ सकता है। तो आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि अच्छे अच्छे लोगों से बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी मिला था, तो आज मैं इनसे मिलकर बड़ी खुश हूँ क्योंकि इनकी सिस्टर निखर, उन्होंने हमारे टीचर्स के लिए कोर्स किया था 1994 और बहुत समय तक साथ में थे। आमिर खान उनके भाई, उनके बच्चे, उनके लिए प्रेगनेंसी कैंप करने के लिए भी उनकी वाइफ इंस्टीट्यूट में आई थी। इंस्टीट्यूट में ऐसे बहुत सारे कोर्सेज चलते रहे तो बहुत सारे लोग आए थे लेकिन हम कॉन्टैक्ट में नहीं रहे किसी के, और आज यहाँ अचानक इनसे मुलाकात हो गई तो बड़ा अच्छा लगा कि हम सब एक परिवार कैसे जुड़ गए हैं। हर व्यक्ति को एक चीज याद रखनी है कि उसे अपना ध्यान खुद रखना है, अपने मन की स्थिति को खुद बैलेंस में रखना है। थैंक यू सो मच। अब मैं निवेदन करूंगी स्टेज पर आमंत्रित करूंगी डॉक्टर इमाम उमर अहमद यासी जी, चीफ इमाम ऑफ इंडिया। Thank you.
फाउंडेशन की तरफ से स्वागत करना चाहते हैं प्रेम शुक्ला जी का। आप जहां कहीं भी हो प्लीज स्टेज पर आ जाइए। प्रेम शुक्ला जी एक जी कृपया स्टेज पर आ जाएं। आप जहां कहीं भी हो ये सारे डिग्निटरीज जो स्टेज पर हैं फाउंडेशन की तरफ से स्वागत कर रहे हैं इन लोगों का जो फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं लगातार। थैंक यू सो मच सर। अब मैं बुलाना चाहूंगी अभी थोड़ी देर पहले अपनी सुरीली मेलोडियस आवाज का जादू इस रूम में बिखेर दिया जिसने स्नेहा शंकर हम सभी को म्यूजिकल तोहफा देकर राम शंकर। थैंक यू सो मच। हमारे सामने पूरी टीम राम शंकर जी की। जय कुमार जी प्लीज स्टेज पर आ जाइए। शिद्दत से चैरिटी का काम करते हैं, लोगों के दुख दर्द मिटाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, ये एक बहुत ही नेक काम है और उसी को मैं सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। इसके लिए मैं दो लाइन बोलता हूँ कि जो देता ही देता है वो उस लोक में रहता है, वो खुदा है, वो देता ही देता है। जो देता ही देता है वो उस लोक में रहता है, जो लेता और देता है वो इस लोक में रहता है। हम आप सब लेते भी हैं देते भी हैं, और जो सिर्फ लेता ही लेता है वो जस लोक में रहता है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग तंदुरुस्त रहें, पूरी तरह हेल्दी रहें, तो वो तभी होगा जब आप देने पे विश्वास करेंगे, चैरिटी पे विश्वास करेंगे, जैसे रिजवान साहब कर रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि सारी दुनिया में वो घूमते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, लेकिन चैरिटी के काम को भूलते नहीं है। मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति ऐसा ही जज्बा पैदा करे और लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे आए। आजकल मेरा नाम बदल गया, लोग मुझे पहले भजन सम्राट कहते थे, अब मुझे भजन का बिग बॉस बोलते हैं। कैसा लगा सर? अरे क्या बात है, मजा आ गया। जल्दी से कंट्रोवर्सी बाहर आई। अरे तो क्या हुआ, जल्दी से फिर भेजिए। देखिए ऐसा है कि मैं वहाँ शुद्धिकरण के लिए गया। सर नया साल कैसे जाएगा? पहले नए साल की शुभकामनाएं। नया साल बहुत खूबसूरत जाएगा, बहुत बेहतरीन जाएगा, मुझे इसका विश्वास है। और एक और अच्छी बात है कि अब मार्च में इलेक्शंस हैं, तो यही सरकार जिसने इतने साल काम करके अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाई हैं
उन पॉलिसीज को और दम मिलेगा। देश एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम करेगा। तो मैं यही चाहता हूं कि हमारा देश खूब तरक्की करे, दुनिया का सबसे बेहतरीन और शक्तिशाली देश बने, और उसके लिए हम सबको एकजुट होकर काम करना है और हम करेंगे। विनर मुझे लगता है रोमिल लगता है, रोमिल, क्योंकि रोमिल वकील है, बहुत तरीके से टास्क को पढ़ता है और बहुत अच्छी तरह खेलता है, तो मुझे तो लग रहा है। बाकी हर हफ्ते तो कुछ ना कुछ चेंजेस नज़र आते हैं, अब अगले हफ्ते मामला क्या है पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी जितने कंटेस्टेंट्स वहाँ हैं उनमें कोई भी जीत सकता है, क्योंकि सब वहाँ हैं। अब धीरे धीरे निकल रहे हैं, जो बचेंगे वो वहाँ तक पहुँचेंगे, और जो मुझे सबसे समझदार नज़र आ रहा है वो तो यही नज़र आ रहा है। राम मंदिर बिल्कुल बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए, पूरा देश चाहता है बने, मैं भी चाहता हूँ बने और बनेगा। थैंक यू। नए साल की शुभकामनाएं आप सबको देता हूँ। इस साल में आपकी वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं जो आपने मन में सजो के रखी। सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा, आप मीडिया का और सब सेलिब्रिटीज और सब लीडर्स का। ये फर्स्ट टाइम हमने इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि हमें इंडिया के अंदर बहुत काम करना है, तो हमें सबको हमें झूलना है साथ में, चाहे गवर्नमेंट के लीडर्स होवे, कॉरपोरेट जगत होवे, सबको हमें झूलना है। तो इनको ध्यान में रखते हुए हमने ये इनिशिएटिव लिया है, और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, बहुत इमोशनल हूँ आज का जो हमारी ये सक्सेस हुई है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि रिजवान अरबिया जी ये ऐसी शख्सियत है कि इनके साथ सब जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से हर धर्म के लिए, हर मजहब के लिए, इनके मन में कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए ये बराबर सबकी हेल्प करते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं, बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, महिलाओं की सेवा कर रहे हैं, और जो लेप्रोसी वाले पेशेंट्स हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं ये कि अब तक करीब 6 लाख लोगों की सेवा इन्होंने की है, तो ये तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, तो इनके साथ हम लोग जुड़े हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और फैजल खान साहब रिजवान अरबिया फाउंडेशन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं हमारे, आज हमने ये अनाउंस किया है, और ये भी जुड़ गए हैं इस फाउंडेशन के साथ। रिजवान अरबिया साहब, मैं कहूँगा उनके बारे में कि जितना भी कहूँ कम है, रिजवान अरबिया साहब एक इंसान के रूप में एक फरिश्ता है, जिस तरह लोगों की हेल्प कर रहे हैं दुनिया, इनके ऐसे और इंसान अगर इस दुनिया में पैदा हो तो दुनिया एक जन्नत बन जाए इंशाल्लाह। और मैं इनको बहुत कंग्रेचुलेट करता हूँ, मैं बहुत खुशी हूँ मुझे कि मैं इनके साथ जुड़ रहा हूँ, हर कदम पे इनके साथ रहूँगा और इनको मुबारकबाद देता हूँ। हाँ, मेरे जनता सर, कौन सा काम है जो चाहते कर रहे हैं इंडिया में खास? हमारी जो प्रायोरिटी है ना, गरीबी कम करना है, चाहे हेल्थ के थ्रू, चाहे एजुकेशन, लाइवलीहुड, फूड सिक्योरिटी, सबको, सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारा एक ही मकसद है कि हमारे देश में से गरीबी कम हो। जो गवर्नमेंट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, दूसरे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है वो भी बहुत कुछ काम कर रहे हैं, बट हमें ज़रूर है सबको मिल के, साथ मिल के काम करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे देश में गरीबी कम होवे। और हमारा देश इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जो कम गरीबी कम हुई तो दूसरे जो छोटे छोटी कंट्रीज है वो लोग हमसे सीखेंगे, वो लोग हमारा जो हम इंडिया है ना वो रोल मॉडल बनेंगे। इसके लिए मैंने बताया कि 2050 तक हमारा प्लान है दुनिया की 70 कंट्रीज में पहुंचना। हम अकेले नहीं पहुंच पाएंगे, हमें सबका सपोर्ट लगेगा, सब मिल के करेंगे तो ही पहुंचेंगे, बट हमारा देश में जो हम सक्सेस हो गए ना, इंशाल्लाह सबका सपोर्ट मिलेगा, हम होएंगे तो दूसरी कंट्री में गरीबी के लिए काम करना या एजुकेशन हेल्थ के लिए काम करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाए, क्योंकि वो आज टेक्नोलॉजी की दुनिया है, टेक्नोलॉजी और आज ब्रेन की, जो ह्यूमन ब्रेन की ताकत बहुत बढ़ती जा रही है, और इंशाल्लाह सही तरह पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव यूज़ करें तो दुनिया में कोई कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, और इंशाल्लाह हम सब मिलकर उनको पॉसिबल करेंगे, हमारे लीडर्स को सपोर्ट करेंगे, लीडर्स का सपोर्ट भी लेंगे और मिलकर दुनिया बदलेंगे। हम इंडियंस हम कुछ कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं दोनों का शुक्रिया अदा करूँगा,
कि और अल्लाह ताला है सबको मिलवा देते हैं सारे काम के लिए। वो बोलते हैं ना किसी चीज को पूरी शिद्दत से चारों चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। यही कायनात और यूनिवर्स की मेहरबानी है जो मुझे राम शंकर जी मिलवाए, अभी फैजल खान मिलवाए, इंशाल्लाह कल आमिर खान भी मिलेंगे, सब मिलेंगे और सब मिलके काम करेंगे। और मोदी साहब को भी मैं पर्सनली 3 बार मिला हूँ ये 4 साल के अंदर, उसने भी बहुत मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिए, उसने भी मुझे प्रोमिस किया है कि गवर्नमेंट तुम्हारे साथ है, तुम बोलो क्या करना है। मैं बोला साहब मैं आऊँगा जब मैं रेडी हो जाऊँगा ना तब आपके पास आऊँगा, तो अपने आप को मैं तैयार कर रहा हूँ और जैसे मुझे सपोर्ट मिल रहा है इंशाल्लाह मिलके काम करेंगे। आखिर में मैं यही कहूँगा सबसे कि रिजवान अडतिया जैसे शख्सियत के साथ सब लोग तन मन धन से जुड़ना चाहिए, जिसकी जैसी हैसियत है वो इनके साथ जुड़े और जो ये काम कर रहे हैं उस काम में सपोर्ट करें। यही मेरी एक अपील है, यही मेरी एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच। आप सब जी कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को? ऑडियंस को यही कहना चाहेंगे कि इट्स ऑनर फॉर मी कि मुझे ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है और एक ऐसे थैंक यू टू रिजवान अडतिया साहब टू हिज फाउंडेशन कि मुझे पब्लिक को हेल्प करने की सर्व करने की एक अपॉर्चुनिटी दी गई है। थैंक यू सर। और लास्ट में एक मीडिया के जरिए लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ तन मन और धन से जुड़े पार्टनर्स में हम लोग काम करेंगे, मिल के काम करेंगे, तो सबको रिक्वेस्ट करूंगा। मटेरियल रिसोर्सेज की हमें नीड है और आप सबका सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग मिल के काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड मीडिया ऑल द मीडिया, मुझे लगता है 40-50 मीडिया आए हैं, सबका शुक्रिया अदा। आप लोग आए और 3 घंटे तक हमको बेहर किया आप लोगों ने। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू एक मिनट सर। थैंक यू। आनंद जी आइए।